हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बिल रिसीट को कैसे जनरेट करेंगे वेबसाइट के थ्रू ये बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग वेबसाइट में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं तो उसके बाद वहाँ से रिटर्न आने के बाद आपको चाहिए होता है कि एक रिसीट जनरेट हो जाए यूज़र के लिए जिसने पेमेंट को सक्सेसफुली पेड कर दिया है। ये रिक्वेस्ट आप ही में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि बिल रिसीट को कैसे जनरेट करेंगे, तो मैं इसी पे एक वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बिल रिसीट जनरेट करने के लिए आपको उस रिसीट को डिजाइन कर लेना है। उसको डिजाइन करने के बाद में आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने एक बिल को डिजाइन कर लिया है। देखिए, ये सारे एक डमी डेटा है जो मैंने HTML में इनपुट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप जनरेट करवाएंगे आपका एड्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे यूजर का एड्रेस होगा, आपके कस्टमर का एड्रेस होगा, और यहाँ पे आपकी पेमेंट डिटेल्स होगी, अकाउंट नेम, किससे पेमेंट किया है, पेमेंट मोड क्या होगा, डेट क्या होगी, और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, और यहाँ पे सब टोटल, और अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे, और फिर टोटल। यहाँ पे क्या होगा, एक प्रिंट इनवॉइस का बटन होगा जिसको क्लिक करने पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी डिजाइनिंग दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ CSS का यूज किया हुआ है, यहाँ पे इनवॉइस, डेट्स, ये सारी जो वैल्यूज है वो दिखाने के लिए। ये आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आपको इसके डिजाइन का कोड चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपको SQL में एक टेबल को क्रिएट कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे टेबल क्रिएट किया है। मैंने एक इनवॉइस नाम का टेबल क्रिएट कर लिया है। इसमें क्या है, ऑर्डर ID, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड देन कंट्री। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, मैंने एक ही टेबल में सबको ले लिया है क्योंकि मैं एक टेस्ट पर्पस के लिए कर रहा हूँ। आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आप इसको तीन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कस्टमर की डिटेल्स अलग, प्रोडक्ट की डिटेल्स अलग, और ट्रांजेक्शन की डिटेल्स अलग होगी, और फिर आपको इस तीनों टेबल को जॉइंस के थ्रू कंबाइन करके शो करना है। मैंने क्या किया है, इस तीनों टेबल को एक ही में क्रिएट कर लिया है। फिर ट्रांजेक्शन ID, स्टेटस, मोड, देन डेट, और उसके बाद बैंक का नाम जिस बैंक से किया है, और फिर बैंक की ट्रांजेक्शन ID। ट्रांजेक्शन ID ये वाली जो है वो अलग होगी, वो पेमेंट गेटवे की होगी, और बैंक ट्रांजेक्शन ID अलग होगी, ठीक है। देखिए यही कॉलम हेडर्स हैं। अब इसी टेबल को हम यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जहां से हम उस सारे डेटा को फिल करेंगे, मैं वो वाला फॉर्म आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे मैं ऑर्डर ID, कस्टमर ID, नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री एंड प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे एंटर करवा रहा हूँ, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस भी। ये आपको अपने लाइव प्रोजेक्ट पे एंटर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट नेम यूजर एंटर नहीं करेगा, वो जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा उसी प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी, यूनिट प्राइस वो सारा खुद ले लेगा, और ऑर्डर ID और कस्टमर ID भी उसे नहीं इनपुट करना है। मैं यहाँ पे टेस्ट पर्पज के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे यूजर से ही इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी भी डिजाइनिंग बहुत सिंपल है, मैं इसको भी आपको शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ CSS का यूज किया है, ऑर्डर ID, कस्टमर ID, ये सारे मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए। अगर आपको इस डिजाइनिंग का भी कोड चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चेकआउट पे क्लिक करके एक पेमेंट गेटवे पे जाने वाला हूँ, और वो पेमेंट गेटवे Paytm पेमेंट गेटवे होगा। मैंने Paytm पेमेंट गेटवे के इंटीग्रेशन पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि कैसे उस पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक बार फ्लो समझ लेते हैं। देखिए वो क्या करेगा, यूजर ये सारी वैल्यू एंटर करके ये चेकआउट बटन पे क्लिक करेगा। चेकआउट बटन पे क्लिक करने के बाद में वो क्या होगा, पेमेंट गेटवे पे जाएगा, वहां से वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद में वो कहां पे आएगा, जहां पे बिल जनरेट होगा। तो बिल यहां पे जनरेट होगा, बिल यहां पे जनरेट होने के बाद में उसको वो बिल शो होगा।
अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो बिल क्या करेगा, जनरेट नहीं होगा और उसको एक दूसरे वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहां पे वो क्या शो करेगा कि आपका पेमेंट फेल हो चुका है। वो जो दूसरा वाला पेज है वही देखिए, वहां पे मैंने क्या किया, बस एक मैसेज शो करवाया और वहां पे एक बटन दे दिया है जहां से वो क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा दोबारा से एक चेकआउट पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमें पहले क्या करना है, उस चेकआउट पेज पे हमें वो सारा डाटा फिल करवा के पेमेंट गेटवे पे लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका कोड पहले से ही टाइप कर रखा है, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे कोड को समझिए। पहले यहां करना क्या है कि उस टेबल में ये सारी वैल्यूज को एंटर करना है। कौन सी वैल्यूज को एंटर करना है, जो यहां पे यूजर इनपुट करेगा। यूजर क्या क्या इनपुट करेगा, वो सारी वैल्यूज तो इनपुट नहीं करेगा, ट्रांजेक्शन आईडीज तो इनपुट नहीं करेगा, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, नेम, पेमेंट मोड, ये सारी चीजें तो वो इनपुट नहीं करेगा। तो वो क्या करना है हमें कि सिर्फ वही चीजें एंटर करवानी है उस टेबल में जो चीजें यहां से यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या वैल्यूज होंगी, जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, जो मैं यहाँ पे इनपुट करवा रहा हूँ, आपको इनपुट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, सिटी, ये सारी वैल्यूज होंगी। बस वो जो ट्रांजेक्शन आईडी जो हमें पेमेंट गेटवे से रिटर्न आने पे मिलेगा, वो वैल्यूज हमें वहां पे जाके अपडेट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा होने के बाद में एग्जीक्यूट कर देना है। जो ADO.NET कोड को जानता होगा उसके लिए ये बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद ये चीजें मैंने उसी वीडियो में समझा रखी है, पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे मैं रिटर्न URL क्या डाला है, bill.aspx, जहां पे वो बिल को जनरेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्हें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के बारे में पता है उनको बस इस कोड को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो यहाँ पे SQL में एंटर करवाना है वैल्यू को। ठीक है फ्रेंड्स, ये करवाने के बाद में आपको वापस कहाँ लेके जाना है, जहां पे बिल को जनरेट करवाना है, उसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके भी कोड को मैंने टाइप कर रखा है ऑलरेडी, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे हमारा मेन काम आता है। यहां पे मैंने क्या कर लिया, चेकसम को वेरीफाई करवा लिया, ये भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने उस पैरामीटर्स से क्या क्या वैल्यूज लिए हैं, जो वहां पे हमें पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहा है पेमेंट गेटवे, वो क्या है, स्टेटस है, तो मैंने इसको असाइन कर लिया है। फिर ऑर्डर आईडी, इसको भी असाइन कर लिया, ट्रांजेक्शन आईडी, पेमेंट मोड, ट्रांजेक्शन डेट, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी एंड देन बैंक नेम, ये सारी वैल्यूज मैंने वहां से पैरामीटर्स से ले लिए। उसके बाद में अगर पेमेंट स्टेटस सक्सेस होता है तभी ये हमें बिल को दिखाना है। ठीक है, अगर ये सक्सेस होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे पहले अपडेट कर रहा हूँ वैल्यूज को। ये देखिए एक SQL कमांड है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसी जो रो को अपडेट कर रहा हूँ। कैसे अपडेट कर रहा हूँ, जो ऑर्डर आईडी जो है वेयर कंडीशन में इसको मैच करती हूँ, इस वैल्यू को जो ऑर्डर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो हमें पैरामीटर से वैल्यू मिल रही है पेमेंट गेटवे से रिटर्न आने के बाद यहाँ पे। उसके बाद में हम क्या क्या वैल्यूज वो सेट करवा रहे हैं वहां पे, देखिए ट्रांजेक्शन आईडी एंटर करवा दिया, फिर ट्रांजेक्शन स्टेटस, मोड, ट्रांजेक्शन डेट, बैंक नेम, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, ये सारी वैल्यूज जो रह गई थी वो हमने एंटर करवा दिया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वहां से वही ऑर्डर आईडी को चेक करके वहां से हम सारी वैल्यूज ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं, अब हमें इनवॉइस में जहां जहां वो वैल्यू अपडेट करनी है वही हम वहां पे एंटर करेंगे। देखिए तो ये सारी जो है मैंने वो HTML एलिमेंट्स के नेम रख लिए हैं, जैसे ऑर्डर आईडी की जगह पे क्या जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट की जगह पे क्या जाएगा, ये सारी वैल्यूज मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इनवॉइस ऑर्डर, देखिए जो वहां पे इनवॉइस नंबर शो करता है, यहाँ पे ये जो इनवॉइस नंबर शो करता है वो यहाँ पे कर देगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट हम यहाँ से ले लेंगे, फिर ये तो फिक्स रहेगा, ये क्या है, ये फिक्स है, ये तो आपका
जो एड्रेस है और नेम है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो है कस्टमर का, आपके कस्टमर का ये चेंज होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कस्टमर नेम को मैंने यहाँ पे एंटर करवा लिया एड्रेस, देन ये फिर क्या है स्टेट सिटी पिन कोड एंड देन फिर ये कंट्री, ठीक है। फिर फोन नंबर आ जाता है और फिर मेल, यहाँ पे फिर क्या आ जाता है डेट, देन फिर टोटल अमाउंट, देन अकाउंट नेम एंड देन पेमेंट मोड, और फिर इसको एंटर जो करवाया था वो भी वो डेट टेबल से ले लेता है, ठीक है। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए कस्टमर नेम इनपुट करवा लिया, उसके बाद मैं एड्रेस स्टेट, ठीक है, उसके बाद में कंट्री ईमेल फोन और ये सारा टोटल अमाउंट मैंने ये क्या किया है ये सारा अपेंड कर दिया है इस स्ट्रिंग के साथ में, टोटल अमाउंट के साथ में, फिर डेट के साथ में, देन प्रोडक्ट नेम, देन प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। ये क्या है, जिसको एडियो डॉट नेट कोड आता हो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक SQL अडेप्टर यूज़ कर लिया और वहाँ पे वो कमांड को इनपुट कर दिया, फिर वहाँ पे डाटा टेबल क्रिएट कर लिया और उसमें हमने डाटा टेबल को फिल कर दिया, ठीक है। वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि उसकी जो रोज है वो कहीं ज़ीरो तो नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं है तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ रोज ज़रूर प्रेजेंट है। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसमें वो सारी वैल्यूज़ को फिल कर रहे हैं, उसके बाद में असाइन करने के बाद में ये हमारा कोड जो है ओवर हो जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पेमेंट स्टेटस, ये कब हम असाइन करवा रहे हैं, जब ये सक्सेस होगा, अगर पेंडिंग है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे रिसीट तो आपको जनरेट करवाना नहीं है, वहाँ पे क्या करेगा कि ये जो मैं कह रहा था थर्ड फॉर्म में वहाँ पे जाके इसको भेज देगा कॉल बैक, यहाँ पे मैंने वो कॉल बैक से नाम दे रखा है, देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ पेमेंट फेलियर, ठीक है, और उसके बाद में फिर ट्रांजेक्शन फेलियर वाला आता है, तीन ऐसे स्टेटस आते हैं और अगर फेलियर आता है तो भी वो वहीं पर चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पे हमारा ये फॉर्म लोड हो गया है, यहां पे हम वैल्यू को एंटर करवा लेते हैं। ये ऑटोमेटिक यहां पे मैंने एंटर करवा लिए हैं सारे वैल्यूज, प्रोडक्ट नेम मैं कुछ भी देता हूँ, फिश टैंक दे देता हूँ, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस 1000। चेकआउट पे क्लिक किया मैंने, देखिए यहाँ पे हमें पेमेंट गेटवे पे पहुंचा दिया। देखिए ये पेमेंट गेटवे जो है ये मैं टेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ये एक डेमो पेज है। देखिए जैसे नेट बैंकिंग मैंने सेलेक्ट किया और जैसे HDFC बैंक सेलेक्ट किया एंड देन पे कर दिया, देखिए हमें एक डेमो में लेके आ गया, कह रहा है कि अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट और अगर फेलियर करना है तो फेलियर हो जाएगा, ये एक बस मैसेज देगा, ऐसा सक्सेसफुल पेमेंट नहीं हो जाएगा, हमारा बैलेंस नहीं कटेगा क्योंकि ये एक टेस्ट के लिए है। अगर मैं यहाँ पे लाइव की यूज करता तो वो हमें पेमेंट मांगता, ठीक है। तो मैं पहले एक बार सक्सेसफुल करवा के देखता हूँ, देखिए ये हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया है। देखिए उस टाइम में मैं जब डमी डेटा डाला था तो अकाउंट नेम एक्सेस था, यहाँ पे देखिए HDFC सेलेक्ट किया तो HDFC आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिश टैंक क्वांटिटी 2, देखिए 1000 था यूनिट प्राइस 2000 हो गया, सब टोटल 0, डिस्काउंट 0 डाल रखा है और टोटल 2000, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इनवॉइस भी हमारा चेंज हो गया, 6457 डाला था, और देखिए ये क्या है हमारा डेट और टाइम, डेट टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे भी हमें डेट टाइम मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये NB क्या है, NB जो है नेट बैंकिंग, ठीक है। NB क्या हमें बताता है कि ये एक नेट बैंकिंग है जो पेमेंट मोड वहाँ पे यूज हुआ है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट शो कर सकता था कि पेमेंट मोड क्या है नेट बैंकिंग, तो आप यहाँ पे शो कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस बटन है, प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये हमें एक प्रिंट पेज पे लेके आ गया है और ये इसको
प्रिंट कर देगा। आप इसका लेआउट चेंज करना, लेआउट चेंज कर लेंगे तो ये इसी, ये एक पोर्ट्रेट मोड है। मैं इसका लेआउट चेंज कर लेता हूँ, लैंडस्केप कर लेता हूँ। देखिए लैंडस्केप करने पे ये ऐसा आ गया है। ठीक है, आप वहाँ पे प्रिंट इनवॉइस बटन को वहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं, विजिबिलिटी फॉल्स कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पी भी एंटर करेंगे तो भी आपका वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसको अभी कैंसिल कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं कि पेमेंट फेल करने पे ये हमें दोबारा रिसीट बनाता है या नहीं। हमें तो नहीं बनवाना है रिसीट, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। रीलोड कर लेता हूं। आपको ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी डिफरेंट डालना है हमेशा पेमेंट गेटवे पे, नहीं तो चेकसम को ये मैच जो होता है वो फॉल्स कर देता है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ, क्वांटिटी और प्राइस डाल दिया मैंने, चेकआउट किया। ठीक है, क्या मैं बैंक डेमो पे ले गया। यहाँ पे मैं फेलियर क्लिक कर देता हूँ। देखिए वो हमें रिसीट को जनरेट नहीं करवाया, यहाँ पे क्या आ गया, पेमेंट फेलियर। अब हम होम बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट चेकआउट पेज पे जा सकते हैं। होम बटन पे आप क्लिक करवा के आप अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज पे भी लेके आ सकते हैं, आप जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये कोड फ्लो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आपको अगर कोई भी वेबसाइट के रिलेटेड प्रॉब्लम आती तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस कोड की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।